इसी बीच आपको हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा लिए चलते हैं, जहां पर सीएम बघेल कांगड़ा में रैली को संबोधित कर रहे हैं। पर्स में आपके जेब में पाइप लगा के सारे पैसे खींचने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी आपको 10 गारंटी दे रही है। इस 10 गारंटी में कैसे हिमाचल के लोगों को, यहां के लोगों का आय में वृद्धि हो, कैसे यहाँ नौजवानों को रोजगार मिले, माताएं बहनें जो गृहस्थ चलाती हैं उनके किस प्रकार से सुविधा हो, ये सारी बातें हमारी 10 गारंटी में हैं। इसके बारे में प्रियंका जी आपसे बात करेंगी। ये लोग सवाल करते हैं पैसा कहाँ से आएगा। जब आप 1500 देने की बात करते हैं हर महिलाओं को, 1,00,000 लोगों को पक्की नौकरी देने की बात करते हैं, 5,00,000 लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, 2 रुपया किलो में गोबर खरीदने की बात करते हैं, 10 लीटर दूध खरीदने की बात करते हैं, कहते हैं पैसा कहां से आएगा। यही सवाल 2018 में छत्तीसगढ़ में भी लोग करते थे। हमारे नेता राहुल जी गए थे छत्तीसगढ़, उन्होंने कहा किसानों की ऋण माफी होगी, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदा जाएगा। आपके यहाँ तो बागबान है, बहुत सारे फसलें उत्पादन होते हैं, सेब के लिए तो पूरे हिमाचल प्रसिद्ध है, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ लोग 2500 रुपया में, लेकिन वहां की जनता ने, वहां के किसानों ने राहुल जी के बात पे विश्वास किया, कांग्रेस पे विश्वास किया, 3/4 बहुमत से हमारी सरकार बनी। 90 में से 70 विधायक आज कांग्रेस के हैं वहां विधानसभा। और आपको बताना चाहता हूं, राहुल जी तो मुझे बोले थे कि 10 दिन में आपको ऋण माफी करना है किसानों का। राहुल जी हमारे शपथ ग्रहण में आए थे, शपथ ग्रहण में वहां शपथ दिलाए, हम लोग एयरपोर्ट गए उनको छोड़े, वो दिल्ली नहीं उतरे थे, 2 घंटे के भीतर में 19,00,000 किसानों के 9,500 करोड़ रुपये हमने माफ कर दिया। आज छत्तीसगढ़ में 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदा जाता है। केंद्र सरकार ने रंगा लगाया, फिर भी हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत हम राशि दे रहे हैं। इस साल तो 2500 नहीं 2640 रुपया मिल रहा है किसानों। बताने का मतलब यह है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। आज कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सताए हुए हमारे गृहस्थ, हमारे जवान, हमारे किसान, हमारी माताएं परेशान हैं परिवार चलाने में, तो हम कैसे राहत दे सकते हैं, लोगों के जेब में पैसा कैसे डाल सकते हैं, उसको रोजगार कैसे दे सकते हैं। हमारी पार्टी की चिंतन केवल इसी दिशा में, और आपको 10 गारंटी दिया है वो पूरा होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। छत्तीसगढ़ में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया है, यहां भी लागू होगा। यहां भी 1500 रुपया देने महिलाओं की बात कही थी, वो भी पूरा होगा। यहां बागबानों की समस्या दूर करने की बात कही गई, वो भी पूरा होगा। माताएं बड़ी संख्या में है, माताओं से एक सवाल मैं करना चाहता हूं, फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा, प्रियंका जी को आमंत्रित करूंगा। इधर भी माताएं बैठी, इधर भी घर में आप खाना पकाती हैं, भोजन पकाती हैं, और रोटी जब आप नहीं पलटती तो क्या होता है, जल जाती है ना। तो भैया ये जयराम ठाकुर की सरकार 5 साल हो गया, आप नहीं पलटोगे तो रोटी जल जाएगी, तो आप पलट। तो देखिए कांगड़ा में 15 सीटें हैं और यहीं से सत्ता का रास्ता, विधानसभा का रास्ता तय होता है, और यहीं पर सीएम बघेल लोगों को संबोधित कर रहे हैं, पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।